Hi guys and welcome back to my channel. I am Janvi Parihar. I'm a final year med student at GMC Jammu. If you guys are new here, don't forget to subscribe before we go ahead with the video. This video is for first year students jinki just abhi admission hui in the college, and the title of this video is how to study or how to start studying or tips and tricks to study better in your first year. So initially एकदम से न्यू टर्मिनोलॉजी से बॉम्बार्ड हो गए तुम एंड यू विल बी वंडरिंग कि यार हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, सब्जेक्ट्स क्या हैं एंड पढ़ने की टेक्निक्स क्या होती है इन मेडिकल कॉलेज एंड विद ऑल दीज न्यू टर्मिनोलॉजीज न्यू बुक्स इट गेट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट. आई एम हियर टू हेल्प यू विद दैट. एंड स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट योर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स. यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब की बुक्स कौन कौन सी खरीदनी है. आई विल जस्ट टेल यू इन वन मिनट. फॉर एनाटॉमी बाय बीडी चौरसिया, फॉर फिजियोलॉजी बाय गाइटन एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यनारायण. लाइक मैंने सत्यनारायण पढ़ी थी, बाकी आपकी शिद्दत है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो, स्टडी ट्रिक्स. सो ट्रिक नंबर वन इज यूज योर बॉडी टू टीच यू एनाटॉमी. फॉर एग्जाम्पल से यू आर स्टडिंग मसल्स ऑफ आर्म. सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग लाइक आर्म में बाइसेप है, ट्राइसेप है, वेन एवर यू स्टडी एक अपने एक्शन के साथ पढ़ो. लाइक से कि यहाँ पे बाइसेप है, यहाँ पे ट्राइसेप है. अगर तुम बोन्स पढ़ रहे हो, ओलिक्रिनॉन प्रोसेस है तो उसको टच करो. मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल. वन मोर एग्जाम्पल, जब हम अडक्शन ऑफ आर्म पढ़ते हैं तो उसमें हम याद करते हैं कि 15 डिग्रीज तक सुप्रास्पाइनेटस होता है एंड देन डेल्टॉइड होता है एंड देन ओवर हेड में इट्स ट्रेपीजियस एंड सीरेटस एंटीरियर. तो अपनी एक्शन के साथ पढ़ो, बिकॉज एक्शंस के साथ पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिटेन रहती है इंस्टेड ऑफ जस्ट बोल बोल के पढ़ने से. नेक्स्ट मेथड इज टीच अ फ्रेंड. सो मेडिकल अपने कॉलेज में जाते ही अपना एक दोस्त ढूंढ लो. दिस इज़ वन थिंग जो मैं अभी तक करती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, कि एक ही चीज़ डिसाइड कर ली कि हम इस चीज़ को इतने लिमिटेड पीरियड में कम्प्लीट करेंगे. लेट्स से कि अपर लिम में सबसे पहले पेक्टोरल मसल्स पे चैप्टर है, तो कह दिया कि हम ये 2 डेज में कंप्लीट करेंगे. दोनों के दोनों सेम टाइम पे कंप्लीट करके आओ एंड देन साथ में बैठ के रिवाइज करो एंड देन एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछो. एग्जांपल, यू आस्क योर फ्रेंड पेक्टोरालिस मेजर के फंक्शंस क्या होते हैं एंड इन केस उसको नहीं आता हुआ तो तुम उसे बताओगे. जब तुमने उसे बताया, तुम्हारा भी अच्छे से रिवाइज हो गया एंड जिस फ्रेंड को तुमने बताया उसको भी ये चीज पता लग जाएगी. सो दिस थिंग विल वर्क फॉर बोथ ऑफ यू. गेट इनटू द मेडिकल कॉलेज, फाइंड योरसेल्फ अ गुड फ्रेंड, उसको अपना स्टडी पार्टनर बनाओ, दोनों साथ में पढ़ो. कोई कंपटीशन वाली फीलिंग मत रखना अपने दिमाग में. कॉम्पीट विद योरसेल्फ ओनली. अपने फ्रेंड्स के साथ कॉम्पीट करने से लिटरली कुछ नहीं मिलने वाला. उससे बेटर है कि उनके साथ पार्टनरशिप में बढ़ो, दोनों एक दूसरे की हेल्प करो एंड जब कॉम्पिटिशन का टाइम आएगा तब कॉम्पिटिशन का सोचना. उसमें भी 5 साल है. तुम्हें कोई दोस्त नहीं मिल रहा, देन डोंट फील बैड फॉर योरसेल्फ, बिकॉज दिस थर्ड ट्रिक इज टीच योरसेल्फ. या तो अपना कैमरा ऑन करो एंड ऐसा सोचो कि तुम यूट्यूब वीडियो पे किसी को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, या फिर इमेजिनरी अपने आप को एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के सामने खड़े हुए फील करो एंड उनको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक समझाओ जो कि तुमने जस्ट पढ़ा है. लाइक अगर तुमने अर्ब्स पैलसी पढ़ी है तो उसमें सपोज करो कि तुम उनको समझा रहे हो कि ब्रेकियल प्लेक्सस से ये लेवल पे अगर कंप्रेशन हो जाए नर्व्स की तो उनकी वजह से ये सब फीचर्स होंगे, अडक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, जो भी होते हैं अर्ब्स पैलसी में. एंड वो सब एक्शंस कर करके लेकिन करना, ये चीज़ हमेशा याद रखना. बिकॉज अभी मेरे को भी याद नहीं आ रहा था अर्ब्स पैलसी में क्या था, बट आई जस्ट रिमेंबर कि हाथ उसमें ऐसे होता है और इंटरनली रोटेटेड होता है एंड आई गेस ऐसे होता है उसमें हाथ. तो नंबर फोर्थ ट्रिक इज एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल में क्या करना है, सपोज यू आर सिटिंग इन लाइब्रेरी एंड तुमने जस्ट अभी ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ लिया है. अब तुमने जो प्लेक्सस पढ़ लिया उसके बाद तुम बुक बंद करोगे एंड देन यू क्लोज योर आईज एंड देन यू विल थिंक अबाउट उस पेज पे मैंने क्या पढ़ा है, नेक्स्ट पेज पे मैंने क्या पढ़ा है. जो चीज़ तुम्हें भूलती है उसी टाइम पे वहाँ पे बुक खोलो एंड उस चीज़ को देख लो एंड देन अगेन क्लोज द बुक एंड आगे चालू कर दो. इसको हम कहते हैं एक्टिव रिविजन, जिसमें तुम चीज़ को बार बार पढ़ के याद नहीं कर रहे. जो चीज़ तुम्हें भूल रही है उस चीज़ को देखने के लिए तुम उसे पढ़ रहे हो. लाइक सिर्फ वो चीज़ें जो तुम्हें भूल रही है. सो इससे तुम्हारा जल्दी भी रिवाइज होगा, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा एंड जो चीज़ भूली है वो तो याद रहेगी. सो नंबर 5 इज स्टडी लेस बट स्टडी विद फुल फोकस. मेक इट अ पॉइंट टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स इन अ डे, बट उन 2 घंटों में बहुत अच्छे से पढ़ो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. स्टडी लेस बट स्टडी काफी अच्छे से. कमिंग टू पॉइंट नंबर 6 विच इज स्पेसिफिकली फॉर बायोकेमिस्ट्री. जब भी तुम बायोकेमिस्ट्री वाले साइकिल्स पढ़ रहे हो उसी टाइम पे एक फ्लो चार्ट बना ले अपने हॉस्टल की दीवार पे लगाने के लिए या फिर अपने घर पे अपने बेड की दीवार के साथ लगाने के लिए, सो दैट तुम उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहो. अगर ये चीज जल्दी याद हो जाए तो तुम्हारे लिए बाकी चीजें याद करने का बाद में टाइम बचता है. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कीप द माइंडसेट ऑफ अ डॉक्टर व्हाइल स्टडिंग एनी डिजीज. जब भी तुम बायोकेम में भी कुछ कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ोगे उनको पढ़ते हुए डोंट क्रैम इट. इवन एनाटॉमी में भी कोई
क्लिनिकल सिनेरियो पढ़ते हुए रीड इट लाइक कि तुम्हारे पास कोई पेशेंट आ रहा है एंड देन तुम लाइक अ डॉक्टर उसको डायग्नोस कर रहे हो, उससे इन्वेस्टिगेशंस तुम क्या क्या लोगे, तुम उसका ब्लड सैंपल लोगे, लाइक स्टडी लाइक अ डॉक्टर व्हेन यू आर स्टडीइंग अबाउट अ डिजीज. यू आर इन फर्स्ट ईयर, यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर. फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस शुरू कर दो डॉक्टर बन के बोलने की. बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एंजॉय टू द फुलेस्ट इन फर्स्ट ईयर. मेक गुड फ्रेंड्स, फन करो, ट्रिप्स पे जाओ एंड पिकनिक्स पे जाओ, मेक मेमोरीज, रिकॉर्ड एवरीथिंग. मैं तो कहती हूँ यूट्यूब चैनल शुरू कर दो, भले ही चले ना चले यार, यू विल हैव अ स्पॉट जहाँ पे तुम्हारी सारी मेमोरीज कलेक्टेड है. डू एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू डू आफ्टर योर नीड यू अचीव. दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.